एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी कार्यालय और आज हमारे बीच में है महेश आर्या जी जो उत्तर प्रदेश से एमएलसी भी हैं और दिल्ली के प्रभारी हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इस समय जो देश की जो वर्तमान हालत है, भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां जो मिलकर इस समय देश के अंदर जो एक अराजकता का जो माहौल बना रखा है, उस संदर्भ में बात करते हैं। सर, आपका एसएम न्यूज में स्वागत है। शुक्रिया। पहले तो मैं जब दिल्ली के प्रदेश का प्रभारी हूँ तो पहले आप दिल्ली के बारे में लेते, देश के बारे में बाद में लेते। ये तो आपने यूपी में भी काम करा है और आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और आपका तो पूरा परिवार ही बसपा के अंदर है। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आरण्य आर्य साहब जो थे, उनके मैंने दो कैडर कैंप लिए, आदर्श के अंदर मैं घर भी गया हूँ। चलिए, शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो आपने सवाल किया है तो ये बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है जो हमारे संतों गुरुओं के आदर्शों पे चलती है, बनाए हुए रास्ते पे चलती है, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। तो जब हमारी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा है तो आज पूरे देश में सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर और बहन कुमारी मायावती जी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग जो उनके लोग हैं तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास मोदी है तो आपके पास कौन है जी। तो ये बहुजन समाज के लोगों ने उसका करारा जवाब देते हुए कहा है और साथ में अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने भी साथ दिया, उन्होंने बोल दिया है कि तुम्हारे पास यदि मोदी है तो हमारे पास बहन कुमारी मायावती जी। तो ये अपने आप जो माहौल पैदा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो पिछली बार 2014 में मोदी जी ने के वादे दिखाकर अपनी जनता को आए थे, 15 लाख रुपए उसमें देंगे, वो भी नहीं दिया। सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ जिनका विकास होना चाहिए विकास से वो सब दूर चले गए हैं। जो उसका गवर्नेंस को लेकर के आए थे, गुड गवर्नेंस बोलते थे कि उन्होंने गुजरात में बहुत गुड गवर्नेंस दिया है इसलिए ये हम बनाना है, तो वो भी पता चल गया लोगों को, अभी असलियत का पता चल गया गुजरात का क्या हाल था। सर, युवा को 2 करोड़ देने का उन्होंने वायदा किया। हाँ, उन्होंने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष के लिए दिया था। मैं समझता हूँ टोटल मिलाकर के अभी 2 लाख लोगों को भी नहीं रोजगार जुटा पाए हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी जो कोशिश है सरकार की वो उन्हीं के लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जो उन्होंने नौजवानों को दिखाया था, सच मार्ग दिखाया था, सपने दिखाए थे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। आज हर वर्ग तबाह है, परेशान है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार, सारे के सारे परेशान हैं, स्टूडेंट भी परेशान हैं और बहन बेटियां भी। मैं समझता हूँ कि जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का मूवमेंट दिया, आज वो किसी लेवल पर महफूज नहीं है और जब भी देखा जाता है तो मैं बीजेपी के लोग भी उसमें बड़े पैमाने पर दोषी पाए जा रहे हैं। उनका विधायक भी देखा होगा, उन्नाव का बहुत बड़ा कांड हुआ, सरकार पूरा बचाने में लगी रही, पूरा देश का मीडिया सारे लोग जब पीछे पड़े तब जाकर वो उसको जेल के पीछे भेजना पड़ा। ऐसा माहौल है, दोनों ने अराजकता का माहौल बनाया है और जब जब अराजकता का माहौल बनता है तब कोई नई दिशा आती है और इस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कृपा से नई दिशा आ रही है और 2019 में बाबा साहब का सपना साकार होने जा रहा है। सर, 4 साल के अंदर जितनी दलित समाज पर और मुस्लिम समाज पर जो एट्रोसिटी हुई है वो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कि अभी कल परसों हापुड़ के अंदर एक जो भैंस का व्यापारी था, वो छोटे छोटे ये जानवरों का व्यापारी था, उसको बुलाकर ऐसी हत्या कर दी जिसके अंदर बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं और वहाँ के जो लीडर इन्वॉल्व हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिन चेहरों को दिखा करके मुख्यमंत्री के रूप में कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप हमें वोट दीजिए, तो जब वो लोगों ने उनके बातें में आकर के उनको वोट दिया और बहुमत में आई तो उन सारे चेहरों को साइड कर दिया और उन्होंने ऐसे चेहरे को सामने लाए कि भाई वो उसका खुद ही इतिहास जो है वैसा रहा है, विवादित रहा है पूरी तरह से, उनके तमाम मुकदमे उन पर चल रहे हैं। तो उनको लाए, लेकिन वो साधु के रूप में लोगों ने सोचा कि शायद ही साधु है तो ईमानदारी के साथ काम करेगा, तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से जो जातिवाद के ऊपर आधारित सत्ता को कायम कर दिया है। जो नीचे जिससे गुड गवर्नेंस की बात आती है तो उसमें नीचे थाने लेवल से ऊपर पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारियों को डिप्लॉयमेंट होता है उसमें निष्पक्षता बरती जाती है, सभी समाज के लोगों को जब उसमें डिप्यूट किया जाता है तो आउटपुट अच्छा आता है।
बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला, तो उसको इसलिए लोग कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा उन्हीं की सरकार को पाते हैं कि उसमें जाति व सबको छोड़ते हुए सभी वर्ग के अधिकारियों को बराबर मौका दिया गया, इसलिए होता है। तो वो साधु ने आकर के तो पूरा ऐसा रोल किया कि पूरा जातिवाद फैला दिया जी। और बिल्कुल पशु से ज़्यादा ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी को 18वीं सदी में पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पेशवाई शासन हुआ करता था। यदि उनकी हुकूमत चले, उनकी बस की बात हो, अगर देश में बाबा साहब का लगाया हुआ संविधान नहीं होता तो वो पेशवाई शासन में बदल देते जिसमें दलितों के पीछे झाड़ू लगा देते और सामने हाड़ी बांध देते, वो इस हालत में करना चाहते हैं। यही कारण है जहाँ दलितों के दर्द देखते हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं। सर एक तरफ ये चंद्रबाबा आ रहा है घर बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो गाय का गोबर है और गाय का मूत्र है इससे औषधि हो गया और इससे सारी दवाइयाँ जो बनती हैं। एक तरफ आप जो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और एक तरफ आसमान पे मकान बनाने की बात कर रहे हैं, अभी ये गाय के गोबर में और मूत्र में लिपटे पड़े हैं। देखिए ऐसा है कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, पूरी पार्टी हिंदुत्व को एजेंडे को लेकर के आई है और मैं समझता हूँ कि जितने भी चाहे कोई भी साहित्य है, वेद पुराण साहित्य जो भी रामायण के भागवत गीता, कहीं भी हिंदू का उल्लेख नहीं है। जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले जो मोहन भागवत हैं, जो आरएस के गुरु कहे जाते हैं, तो वो लोग भी इस बात को कई बार कह चुके हैं हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो ये गाय गोबर मूत्र को लेकर के चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सदियों को पीछे देश को ढकेल देना चाहते हैं और कभी भी देश को तरक्की पे रास्ते पे नहीं ले जा सकते। सर अभी बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का जो एक संविधान है उसके अंदर कुछ संशोधन करा है और अभी आपकी मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, तो क्या संशोधन करा है? देखिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारा जो युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग की संख्या बड़े पैमाने पर है, तो उन्होंने उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने रखा है कि युवाओं को हम बहुजन समाज पार्टी में 50% का आरक्षण व्यवस्था करेंगे पदों पर और उस आधार पर करेंगे कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। उसका मतलब ये होता है कि संख्या तो काफ़ी है लेकिन वो जो पार्टी की लाइन पर जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा वो उसको पद जिम्मेदारी मिलेगी। अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका और सामाजिक में कोई दायित्व तो नहीं बनता और तो फिर उसको नहीं, वो ऐसे उसको ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने कोटा निर्धारित किया है। और सबसे बड़ा एक तोहफा दिया है हमारे नौजवानों को कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कहा है वो करके दिखाते हुए उन्होंने नौजवानों को तोहफा देते हुए जो हमारे आदरणीय श्री जयप्रकाश जी हैं उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक तोहफा के रूप में बहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर अब दिल्ली के अंदर भी कुछ आपने फेरबदल किया है? हमने भी अभी पिछले दिनों में यूथ की मीटिंग बुलाई थी और उसमें बहन जी के संदेश को दिया था वो तो उसको चलते हुए वो लोग लगे हुए हैं। और दिल्ली में अभी फिलहाल जो है कल ही बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाया था तो उसमें उन्होंने चूँकि ऐसा लगता है कि चंद्र में चुस्त दुस्त करने के लिए इलेक्शन कभी भी हमारे सामने आ सकता है तो उसमें थोड़ा सा आंशिक रूप से फेरबदल किया गया है। इसमें स्टेट कमेटी में को चेंज किया गया है, पहले श्री शिव शेट्टी थे और उनके स्थान पर श्री सुरेंद्र कुमार राय साहब को उनको अध्यक्ष किया गया है। लेकिन सर दिल्ली वालों की एक थिंकिंग बन गई है क्योंकि मैं दिल्ली से संबंध रखता हूँ कि अगर यूपी के अंदर बाग बनेगी तो दिल्ली के अंदर खुद हवा है। पहले नारा लगाते थे यूपी तो अब हमारी है, अब दिल्ली की बात है, लेकिन दिल्ली के लोगों को एक एसी वगैरह जो मिल जाता है उससे बाहर नहीं निकलते क्योंकि कड़वा सबके साथ। क्या है आप सही कह रहे हैं, मुझे भी थोड़ा अच्छा समय लगा है इधर आने में कभी काम संभाले हुए, तो मैंने अभी पूरी दिल्ली का जो विजिट किया तो मेरा अपना भी एनालिसिस यही है कि जो देश के तमाम राज्यों से कोरोना से सताए हुए दबे हुए परेशान होकर के लोग आए रोजी रोटी को लेकर के इधर आए तो वो लोग जाकर के वो पार्टी की महत्ता को समझ रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के वासी हैं जिनको समय पर भोजन मिल रहा है और उनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो अभी भी देशभूष के साथ लेकिन अभी उनकी मजबूरी ये है जो आपने कह रहे ऊर्जा उत्तर प्रदेश से मिलती है, नो डाउट कि जब हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूवमेंट है उत्तर प्रदेश से सक्सेस हुआ और जब उत्तर प्रदेश से सक्सेस हुआ तो ये साबित कर दिया कि अम्बेडकर बात जो है सभी बातों के ऊपर भारी पड़ सकता है बस अति ईमानदारी के साथ उनके साथ हम जुड़े और काम करें। तो एक जब समय था जब मनोहर कांशीराम साहब के साथ हम लोग चलते थे और वो
मेडल लेते थे तो दूसरे जो अनुवादी लोग थे वो बोला करते थे कि काशीराम साहब का ये सपना पूरा होने वाला नहीं, कैसे हो सकता, बीएसपी की सरकार कभी हो ही नहीं सकती, हाथी कैसे पार्लियामेंट बोल सकता है। तो ब्रह्मानंद काशीराम साहब के रहते हुए बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हाथी पार्लियामेंट भी पहुंचा और चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई, तो निश्चित रूप से पूरे देश को ऊर्जा मिली है और ऐसे ही कारण है उनको एहसास हो गया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट और सपोर्ट किया है, यदि दूसरे राज्यों में भी अगर इसी तरह करें तो उन राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है और देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती भी बन सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। सर, अब तो विपक्ष ने भी मांगना है कि भी अगर कोई अच्छा नेतृत्व दे सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं बहुजन समाज पार्टी जो सुप्रीमो है। एब्सोल्युटली, एक्चुअली क्या है कि पहले इसी बात का दिक्कत थी कि दूसरे दलों की तरफ रहते हुए इनके पास नेतृत्व का अभाव है, किसको पीएम के रूप में देख सकते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे आगे बढ़े तो उस समय उनकी पार्टी में भी उनके ऊपर उंगली उठ रही थी, तो नेतृत्व नहीं लग रहा था। तो लेकिन अभी कर दिया क्योंकि वो तीन बार गुजरात के सीएम रहे थे तो ये कहा गया उनकी तरफ से समझ बोल के भाई तीन बार की उन्होंने सरकार चलाई बहुत अच्छा और वहाँ विकास किया है इसलिए पूरे देश के प्रधानमंत्री होना है। तो आज पूरे देश बहुजन समाज के अलावा जो आपने सवाल किया है कि दूसरे दलों के जो विपक्ष के अपोजिशन के लीडर हैं, इवन मुख्यमंत्री भी जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री भी है वो भी बहन कुमारी मायावती को रिगार्ड्स कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि अब की बार नेतृत्व जो है बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ही केंद्र की सरकार बननी चाहिए और पीएम के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट किया। उसका कारण है कि जैसा गुजरात जैसा स्टेट जी आज भी उत्तर प्रदेश में अगर डिवीजन करें तो चार स्टेट बन सकते हैं और उस इतने बड़े स्टेट को गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बहन कुमारी मायावती जी ने देकर दिया है और समाज के हर वर्ग को ये दिखाया है कि सबसे नेता है कि सबसे सुखाए की सरकार बहन कुमारी मायावती जी ही चला सकती है। सर, आपको दिल्ली भारत गए, आपको अन्य देश और देखे तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे सर आपको इस समय दिल्ली नहीं भारत नहीं बल्कि 20 देश और आपको देख रहे हैं तो अच्छा, आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का जो स्लोगन है वो पूरे विश्व के ऊपर है जी और वो सबके लिए सबकी जरूरत है, पूरे देश की पूरे विश्व की आवश्यकता है। वो क्या है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो तथागत बुद्ध का संदेश है वो इसमें वो छुपा हुआ है बहन कुमारी मायावती जी के संदेश में कि समाज के किसी भी तबके को विकास से वंचित नहीं होना चाहिए, कोई भी वो सबका साथ लेके लोग चलना चाहते हैं और पूरे देश में जो हमारा देश कभी गुरु हुआ करता था, विश्वगुरु हुआ करता था, इन लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आज मैं समझता हूँ कि हमारा देश आज भी दूसरे देशों के सामने थैली झोली फैलाता है, ठीक मानता है अपने यहाँ के विकास के लिए। तो जो सोने की चिड़िया देश कहलाता हो उन लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज ज़रूरत है इस देश में उन विचारधारा की नहीं है जिन्होंने देश को कंगाल कर दिया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की इस देश में ज़रूरत है। जो विश्व के लोग भी मानते हैं बाबा साहब की प्रतिभा को, तो अमरीका जैसा देश मानता है, अमरीका का जो पिछले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने खुद बोला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि अमरीका में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य कह के संबोधित करता। तो इतनी बड़ी बात जब विश्व में है पूरे देशों में तो निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों का अगर देश बनेगा तो ये फिर से विश्वगुरु बनेगा।